Hi dudes, I am doing well and I hope you are also doing well. So guys, आज हम बात करने जा रहे हैं DELED 3rd semester mathematics का paper जो हाल ही में हुआ है, तो उसका पूरा solution देखेंगे. जितने भी questions आए हैं, पूरा paper कितने number आए हैं आप लोगों के, वो मिला सकते हैं, match कर सकते हैं. और ये तृतीय semester 19 चतुर्थ प्रश्न पत्र है गणित का, और इसका हम आज solution देखेंगे. तो हमारा first question था a7 × a−10 9 का मान होगा, तो इसका जो मान होगा वो थर्ड आंसर है इसका. नेक्स्ट है उसका हमारा a−b, और ये है 4a7 आंसर इसका. जो आंसर जो आएगा वो कॉमन आएगा वो 6 आएगा, और वर्ग मीटर बराबर 3 आएगा, जो ऑप्शन हो गए. अब इनका पूरा का पूरा हम सॉल्यूशन देखेंगे, और देखो जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं पेपर में, आप देख सकते हैं पूरा. और अब इन क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं. पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो रहेगा इनटू का मतलब गुणा में घाते हैं, जुड़ती हैं या घटती हैं, जो भी होगा जुड़ जाती हैं. तो माइनस के 9 हैं और 3 हैं, जोड़ेंगे तो माइनस की 2 घातें बचती हैं, तो इसका राइट आंसर a−2 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वाला. तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या है, अब इसका क्या है, aq − bq का फॉर्मूला अगर आता है आपको तो ये उसका एक्सप्लेनेशन होता है. जब फॉर्मूले खोल देंगे तो अब जो नीचे जो पोर्शन है ये सेम पोर्शन आ जाता है ऊपर. ए माइनस इसका फॉर्मूला होता है a − b² + ab + b² तो इससे पूरा का पूरा ये कट जाएगा, तो आंसर जो आपका बचता है वो a − b बचेगा आंसर. इट्स अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न का प्रतिशत रूप बदलिए. प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से ये 100 5 बार कट जाएंगे, और 7 × 35 होता है तो 35% आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर वाला आपका समुच्चय. समुच्चय में क्या देखते हैं, जब इंटरसेक्शन निकालने की बात होती है तो इसमें कॉमन वर्ड देखते हैं. तो कॉमन क्या है, इनमें 4, 6, 7 है और बी में 3, 5, 6 है, तो 6 जो वाला जो अंक है वो दोनों में कॉमन है, तो इसके लिए क्या आंसर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू महिला कोष्टक में बंद करेंगे 6. इस तरीके से आंसर हो जाता है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग मीटर बराबर होगा, तो एक वर्ग मीटर बराबर होगा 10,000 cm², मतलब तो इसका आंसर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में दिखा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करेंगे वो बाहक चेक किसे कहते हैं. तो बाहक चेक क्या होता है, यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी बाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है. चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर अवश्य है, मतलब यदि कोई चेक का अपने हस्ताक्षर करके दे देता है तो जिसके नाम है उस किसी व्यक्ति को भेज के या वो खुद निकाल सकता है, उसको बाहक चेक कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपका, जो उसमें आधार और ऊंचाई दे रखी है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई. तो 1/2 आधार कितना है, 4 है, ऊंचाई आपकी 3 होगी, तो और 2 से 6 बार कितना कट गया, 3 बार, तो 4 × 3 = 12 cm उसका जो आपका आंसर आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुपात निकालने के लिए. तो अनुपात निकालने के लिए द्वितीय अनुपात पूछ रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला रहता है बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल. तो आप देखिएगा इन बाह्य बाह्य पदों का गुणन कर देंगे, अंतः अंतः कर देंगे, तो इसमें हमने बाह्य ले लिया पहले, तो 9 × 16 है इक्वल टू x × 12. तो इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x की वैल्यू तो क्या हो जाएगा कि x इक्वल निकालेंगे तो 9 × 16 और अपॉन में हो जाएगा 12. इसमें क्या करेंगे आप 4 से काट दीजिए, 4 × 12 = 16 और 3 × 9, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 × 4, तो इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया. तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो कितना हो गया, ये 12 आपका जो राइट आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक आपका समीकरण था हल करने के लिए, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये x² + 3x − 10. तो इसका जो ऐसे फैक्टर करते हैं कि जोड़ने पर आपके कि हाँ यहाँ से माइनस है तो घटाने पर आपका 3 आ जाए, तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 हो गए, इनके फैक्टर 5 बचे 2 गए 3 बचेंगे, तो x² + 5x − 2x − 10 ये इक्वेशन बन गई. यहाँ से x कॉमन ले ली जाएगी तो x + 5, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लिए तो x + 5 हो गया, तो x + 5 पूरे में से कॉमन लेंगे तो x + 5 और बचेगा कितना x − 2, तो x + 5 and x − 2 ये राइट आंसर आपका, तो इसके फैक्टर हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक घनाभ का आपका लंबाई चौड़ाई दे रखी है, आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि यहाँ पर दे रखा है कि 6 मीटर 2.5 मीटर ऊंचाई सेंटीमीटर मोटाई वाले एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए. तो आयतन ज्ञात करना है तो आयतन आप वहाँ से इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, तीनों चीज़ें दे रखी हैं, और
अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आयतन दे रखा है, आयतन क्या होता है, एल वी एच होता है घन आपका, तो 6 × 2.5 × 1.5, तो इतना करना आ गया 2.525 m³। तो ये जब भी आप करेंगे यहाँ पे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.25 m³। और यहाँ पर क्या है, बी जो आपकी है तो 15 cm है, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.15 m हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, चेंज करना है, मतलब सेम राशि में ही निकालते हैं इसका, जो भी वैल्यू निकालेंगे मीटर मीटर में निकालेंगे या सेंटीमीटर में निकालेंगे या किलोमीटर में, जो भी होगा सेम यूनिट कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9/4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। अब इसमें क्या करते हैं, मान लिया x से गुणा करने पर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब इसको जो 9/4/5 है इसको चेंज कर लें, तो 9 × 5 = 45, 45 × 4 = 49 हो जाएगा, 49/5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है आपको कि क्या करेंगे यहाँ से कि 49/5 = x = 42। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 अब इनटू मल्टीप्लाई में 5 ऊपर चला जाएगा और 49 नीचे आ जाएगा, तो अब यहाँ से 7 × 6 = 42 और 7 × 7 = 49, 7 बार कट गया, तो 6 × 5 = 30, 30/7, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी x की, वो x बराबर 70/6 = 30/7 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको तीन चीज़ें दे रखी है, मूलधन दे रखा है यार, दर दे रखी है 10% और समय दे रखा है 2 वर्ष, चक्रवर्ती ब्याज निकलवा रहा है, तो आप सिंपल फॉर्मूला है मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 + r/100 / n, मतलब समय, तो 1000 + 1 इतना हो गया आपका 2 भर दिया आपने, अब 100, अब इसको जोड़ेंगे तो LCM लेंगे तो 100 हो जाएगा पूरे दोनों का, और 100 + 10 तो 110 हो जाएगा यहाँ पर, 110/100 हो गया का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे खोल के विस्तार रूप रख सकते हैं, 40 हो गए, 40 से यहाँ पे ये 3 0 ये कट गए पूरे इन 2 से, और 10 से 10 कट गया यहाँ पर, तो कितना बचा, 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 121 और 01 है तो 1210 रुपये हो जाता है। अब ये आपकी आ गई मिश्रधन, आ गया मिश्रधन, अब ब्याज निकालनी है तो ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका मिश्रधन आया है 1210 में से 1000 घटा दिया, तो कितना आंसर आ गया आपका, 210 रुपये बचता है, इट्स अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, माना मतलब घनाभ की दे रखी है आयतन, एक बार क्वेश्चन देख लें आप, अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपका कि एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:5 है, उसका आयतन 960 है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई की मतलब ऊंचाई ज्ञात करवाना है, तो उसका इनको ऊंचाई में दे रखा है तो x मानेंगे और ये आपका आयतन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को कर देंगे तो आपका यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो घनाभ की आपको लंबाई माननी 4x, चौड़ाई होगी 5x, 6x में जो कॉमन फैक्टर हो गया। अब आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचा, अब आयतन आपको दे रखा है 960, अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इस साइड को इस तरफ लिख लिया है हमने, चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है कि 5 × 20 अगर दोनों गुणा करेंगे तो 20x² × 6x, इतना, तो यहाँ पर क्या है, अगर पूरा गुणा करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, तीनों का 120, 6 × 12 और 0 हो जाएगा x³, क्योंकि x का 3 बार गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, 10 से यहाँ पे 10 कट गया, 12 × 8 = 96, तो 8 बार कट गया, तो x³ की वैल्यू हो गई 8 हो गई। अब इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालेंगे आप तो 8 × 2³ हो गई, तो x² आ गई, x² आने की वजह से अब उसमें जो 4x, 5x, 6x माना था उनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लंबाई 8, 10 और 12 हो जाएगी, इट्स अ राइट आंसर। इस तरीके से आपको करना होगा तो पूरे नंबर मिलेंगे। और गाइस, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने भी वीडियो पेपर दिया है सीटेट का, मतलब डीएलएड परीक्षा का, तो उन सभी को इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि वो अपना आंसर मैच कर सकें। सो गाइस, ये बहुत ही अच्छा है कि सब अपने आंसर मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो था, वो क्वेश्चन था कि एक समीकरण को सॉल्व करना है x² - 1, अब क्या करना है, इस वाले समीकरण से आपका एक इक्वेशन बन जाएगी, इस वाली समीकरण से, तो x² - 1 जोड़ दिया, अब ये 1 + 2 है, 2y + y², ये 1 + y का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे। अब आपको पता है कि a² - b² का a - b a + b हो जाता है ये। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब क्या किया हमने, ये दो पोर्शन हो गए हमारा, ये हो गया और ये पूरा का पूरा b हो गया,
तो इसमें एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो एक बार जोड़ घटाने पर क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस वन और एक्स माइनस वाई माइनस वन, तो इसका इट्स अ राइट आंसर आपका, कि एक बार मतलब होल स्क्वायर की फॉर्म बन गई, ये वाली पूरी फॉर्म बन चुकी है, ये वाली इस पर जोड़ दो एक बार घटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है वृत्त से संबंधित, तो इस तरीके से आपका जो फिगर है वो बन जाएगा। एक बार क्वेश्चन भी देख लें आप, कि एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर की जाएगी, तो इस तरीके से आप उसको भी त्रिज्या को भी निकाल सकते हैं। तो माना वो है आपका ये पूरा वृत्त बना लिया आपने, इस तरीके से जो दूरी ये है 12 सेंटीमीटर हो गई और ये पूरी आपकी जो है जीवा वो 10 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या करना है, इसका निकालना, तो ये पाइथागोरस प्रमेय बन जाती है। तो यहाँ से 5 दूरी हो गई, यहाँ से ये 5 दूरी हो गई, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो ए ओ का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस ए उसका स्क्वायर हो गया। तो अब इसकी वैल्यू भर दी है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 44 प्लस 25 169 हो गया। 169 किसका स्क्वायर होता है, वर्ग रूट होता है, ये होता है 13 का होता है। तो 13 इसका जो क्या है त्रिज्या आपकी आ गई, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 13 होगी सेंटीमीटर। इट्स अ राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 20 तक की सम संख्या लिखी है, 1 से 20 तक की सम संख्या लिख ली है आपने, और अगर समांतर माध्य पूछ रहा है कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरीके से आप लिख लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20। अब समांतर माध्य होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, इस तरीके से आप कर लेना, 10 से भाग देना, टोटल योग 110 हो गया और 10 से भाग देना जितने पदों होते हैं पद से, तो 11 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें क्वेश्चन दे रखा था घातांकी रूप को लघुगणक के रूप में लिखिए, लघुगणक के रूप में रखने के लिए दोनों तरफ आप लॉग लेने पर हो जाएगा। जैसे ही आप लॉग लेंगे तो इसका क्या होता है, जैसे ए स्क्वायर बराबर वी है, तो जैसे ही लॉग लेंगे तो आप हो जाता है, तो लॉग ए आपका जोका तो रहेगा, पावर बी हो जाएगी, इधर ए हो जाएगी, 2 हो जाएगी बराबर। तो इस तरीके से हो जाता है, मतलब जो इसकी जो दो घात है और ये वैल्यू थोड़ी सी वेरिएशन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि 13 इतना लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग 13 तो ये ऊपर चला जाएगा घात के ऊपर और ये जिसकी वैल्यू है वो नीचे आ जाएगा। तो लॉग 13 बराबर 2, तो सूत्र होता है ए एक्स बराबर एन से होगा, तो लॉग ए की पावर एन बराबर एक्स हो जाएगा, ये आपका सूत्र है। ये सूत्र के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, दोनों को लघुगणक की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। लघुगणक की फॉर्म में इस वाले क्वेश्चन को लिखेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस रहेगा और जो कोष्टक में आएगा 1/10 की पावर 3 हो जाएगा और यूकल में -3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना डीएलएड वाले बच्चों को, जिससे कि आने वाले जो पेपर हैं उनको भी फ़ायदा हो सके और जिन्होंने हाल ही पेपर दिया था उनको भी क्लियर हो जाएगा हमारे कितने मार्क्स आएंगे और कितने नंबर से हो सकते हैं। तो इसका भी आप क्वेश्चन देख लीजिए 18वें का, कि एक समबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। कि आपको जो तीन कोणों का मान क्या करा है, त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, मतलब तीसरे कोण से कितना है, 4 गुना है। तो इस तरीके से आप उसको क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज बना लिया, जो आपका तीसरा कोण है उसके दोनों कितने कितने 4 गुने, चारों गुणों को अब हमें पता प्रॉपर्टी पता होती है, त्रिभुज के चारों तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, तीनों को जोड़ दिया हमने 180 अंश, तो ये कितना हो गया 4 × 4 = 8 + 1 = 9, 9x = 180 हो गया। अब एक्स की 9 से भाग देंगे तो 9 से 20 बार कट जाता है, तो एक्स की वैल्यू जो आपकी कितनी आ गई, 20 आ गई। आपकी जो वैल्यूएशन है वो आपका x और 4x, 4x में अगर गुणा करेंगे तो 4 × 20 = हो जाता है 18। तो आपका आंसर कितने आ गए, 80 और 20, तो ये आपके कितने आंसर हो गए, 80 और 20, ये आपके राइट आंसर हो गए। और इन तीनों का जोड़ करेंगे तो भी 180 अंश हो जाता है, इसका मतलब राइट क्वेश्चन है। सो गाइज, कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है BTC से तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सेमेस्टर के जो भी पेपर्स हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम लेके आते रहेंगे इस पर, जिससे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको आने वाले पेपर में जानकारी मिल सके और आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। और आप पूरा पेपर यहाँ से देख सकते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको पेपर किस टाइप का है, तो वो भी लास्ट में देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए, पढ़ नहीं सके हो, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप यहाँ से। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।